बीते बुधवार तक देश में कोरोना वायरस के 20,178 से भी ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिनमें 645 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन फिलहाल देश में कुछ दिनों पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश का ध्यान इस महामारी से खींचकर अपनी ओर लेते गई। दरअसल बीते गुरुवार को महाराष्ट्र के पालघर में देर रात करीब 200 लोगों की भीड़ ने दो साधु और उनके एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी, जिसके बाद देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल भीड़ ने दोनों साधुओं को चोर समझकर उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि न तो वहां पर मौजूद पुलिस कुछ कर पाई और न ही वो तीनों वहां से भाग सके। इस घटना के बाद सांप्रदायिक सियासत भी काफी बढ़ चुकी है, जहां तमाम लोग अपने अपने तरीके से इस घटना को हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बुधवार यानी 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के गृह मंत्री और एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने एक वीडियो कॉल कर ये बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने हत्या के शक के आरोप में जिन 101 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें एक भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि सीआईडी के एक विशेष आईजी स्तर के अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तमाम आरोपियों के नाम को भी साझा किया है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट हेडलाइंस 21 के लिए।